राम राम भाई लोगों को उतारा भाई जीतू और तुम सब देख रहे हो जीतू बीट्स। भाई लोगों जीतू बीट्स की रामबाण सीरीज की एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में भाई लोगों को बात करने वाले हैं कंप्रेशन के बारे में। और रामबाण सीरीज की खास बात यह है कि इसमें जिस चीज पे बात कर दी उस पर फिर कोई वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कंप्रेशन पे पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ऑडियो कंप्रेशन जो है ना वो भाई म्यूजिक प्रोडक्शन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर कंप्रेशन ठीक से समझ गए तो बहुत सारी समस्याएं जो है वो मिट जाएगी। और स्पेसिफिकली जो समस्या मिटेगी वो होगी वोकल मिक्सिंग की समस्या। अब वोकल मिक्सिंग में मेरे भाइयों को बहुत समस्या आती है। भाई बोलते हैं भाई वोकल मिक्स नहीं होता, भाई बीट पे वोकल दबा हुआ रहता है, बीट के ऊपर नहीं आता, कंसिस्टेंसी नहीं आती। तो भाई उन सब का इलाज है एक ही, और वो है कंप्रेशन। तो आज समझेंगे कंप्रेशन को, सबसे पहले उसकी टेक्निकल डिटेल समझेंगे, उसके बाद में उसका प्लगइन में दिखाऊंगा, जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो प्लगइन में दिखाऊंगा कहाँ पे आती है, और उसके बाद में उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तीन स्टेप में ये वीडियो होने वाली है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम अपने बोर्ड पे कि भाई कंप्रेशन होता क्या है, कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या पैरामीटर आते हैं, वो पैरामीटर कैसे काम करते हैं और वो पैरामीटर क्या काम करते हैं। तो चलो आ जाओ बोर्ड पे, उसके बाद में समझेंगे हम प्लगइन से। सबसे पहले समझेंगे हम डिजिटल बोर्ड पे। हाँ तो भाई लोगों हम बात कर रहे हैं आज कंप्रेशन के बारे में। किसके बारे में? कंप्रेशन के बारे में। और कंप्रेशन जो है वो म्यूजिक प्रोडक्शन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। मैं थोड़ा सा अपनी साइज जो है वो बिट घटा लेता हूँ, ठीक है। प्रोडक्शन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अब देखो कंप्रेशन का प्लगइन जो होता है ना, उसको देख के बहुत मेरे भाई लोग डर जाते हैं कि भाई ये क्या है, इसमें ये क्या क्या दिया हुआ है, कैसे काम आएगा, भाई ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो उनमें जो मेन पैरामीटर होते हैं ना, जो कि हर एक कंप्रेशन के प्लगइन में मिलेंगे, उनके बारे में मैं बताऊंगा, वो कैसे काम करते हैं, क्या काम है उनका वो बताऊंगा। क्योंकि वो अगर प्लगइन में कोई चीज़ दी हुई है तो किसी ना किसी काम को करने के लिए दी हुई है। तो अगर तुम वो काम समझ जाओगे कि वो क्या काम करते हैं, तो फिर तुमको जो अपने मिक्स में काम करवाना है उनसे, अपनी ऑडियो में जो काम करवाना वो आराम से करा पाओगे। तो देखो कंप्रेसर कोई भी कंपनी का हो, कैसा भी दिखता हो, किसी भी टाइप का हो, उसमें तीन बेसिक पैरामीटर होते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे थ्री बेसिक पैरामीटर। कौन कौन से होते हैं भाई? पहला तो होता है थ्रेश होल्ड, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है मेरे भाइयों रेशियो। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है अटैक। और चौथा होता है रिलीज। और पांचवा होता है गेन। तुमने तो बोला भाई तीन ही होते हैं। हाँ तीन ही होते हैं, मेन तो जो होता है ना थ्रेशोल्ड रेशियो अटैक और रिलीज होता है, लेकिन गेन भी मैंने बता दिया क्योंकि ये भी हम उसको देखेंगे। तो ये पांच जो है बेसिक पैरामीटर जो है कंप्रेशन के प्लगइन में होते हैं। इनमें से इन चार चीज़ों को समझ लोगे ना, थ्रेशोल्ड को, रेशियो को, अटैक को, रिलीज को ढंग से, तो फिर कंप्रेशन करने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी ऑडियो को आराम से कंप्रेस कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम थ्रेशोल्ड समझते हैं। भाई थ्रेशोल्ड है क्या? THRESHOLD थ्रेशोल्ड। देखो कोई भी ऑडियो होती है ना, कोई भी ऑडियो जब भी तुम रिकॉर्ड करोगे ना, तो वो कैसे दिखती है, देखो मैं तुमको बना के बताता हूँ। मान लो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो देखो ऑडियो कुछ ऐसी दिखेगी ऑडियो, है ना। ये क्या बना दिया भाई? ये मैंने ऑडियो बना दी है ना, यानी ये जो होती है ऑडियो, ये अंदर की ऊंचे वाले जो हिस्से है ना भाई, ये मैं थोड़ा सा रेड कलर ले लूँ, क्या ले लो भाई, ये जो ऊंचे वाले हिस्से है ना ये लाउड पार्ट है, और जो ये नीचे वाले हिस्से है ना ये कम वॉल्यूम के पार्ट है। तो ये वॉल्यूम को दिखाता है भाई, कि ये ऊंचा जा रहा है मतलब ज़्यादा वॉल्यूम, और कम जा रहा है मतलब कम वॉल्यूम, है ना। ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम कम है क्योंकि इसकी ऊंचाई सिर्फ इतनी है, लेकिन यहाँ पे देखो गैप कितना ज़्यादा है। तो ये लाउड पार्ट को दिखाता है, यानी कि ज़्यादा आवाज़ वाले पार्ट्स को ये प्रदर्शित करता है। अब थ्रेशोल्ड क्या होता है कंप्रेशन का? थ्रेशोल्ड में हम उसको बोलते हैं, थ्रेशोल्ड में कंप्रेसर प्लगइन को हम ये बताते हैं कि भाई देख तुझे क्या करना है, कंप्रेसर करता क्या है, कंप्रेसर जो भी ये लाउड पार्ट है ना इनको डाउन करता है, ताकि जो ये कम लाउड पार्ट है यानी जिनकी आवाज़ कम है, अगर ऊंचे वाले पार्ट को हम नीचा कर देंगे, और नीचे वाले पार्ट तो पहले से नीचे हैं, तो सभी बराबर हो जाएंगे और आवाज़ एकदम बराबर सुनाई देगी। यानी मैं जो भी शब्द बोलूंगा वो बराबर सुनाई देगा, ऐसा नहीं कोई लाउड सुन रहा है कोई सुन रहा ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। कंप्रेसर क्या करेगा, ये मान लो ये वाला हिस्से की बात करते हैं हम, तो ये वाला हिस्सा कुछ ऐसा दिख रहा है ना, कि ऐसा ये यहाँ पे लाउड पार्ट है, यहाँ पे जो है कम लाउड पार्ट है। तो कंप्रेसर क्या करेगा, इस लाउड पार्ट को थोड़ा कम कर देगा, तो फिर कंप्रेस होने के बाद में ये ऑडियो कुछ ऐसी दिखेगी, यानी देखो बराबर सी दिखेगी। ये जो ऊंचा जा रहा था इसको कंप्रेसर काट देगा। अब वो काटेगा कैसे, तो कंप्रेसर को हमको बताना पड़ेगा कि भाई तुझे किस लेवल से ऊपर के लाउड पार्ट को काटना है। अब मान लो जैसे टीचर बैठा रहता है अपने स्कूल में, है ना, और बच्चे बैठ के बदमाशी कर रहे हैं, कोई बच्चा ज़्यादा उछलता है तो टीचर उसके एक टांट पे सिर पे ऐसे मारता है, वो बच्चा नीचे बैठ जाता है, बदमाशी नहीं करता, है ना।
तो यानी एक लेवल बना रखा है टीचर ने कि भाई इससे ऊपर कोई उछलेगा तो उसको मैं मारूंगा, ठीक है, और उससे ऊपर कोई नहीं उछलेगा, आराम से बैठा रहेगा तो उसको मैं नहीं मारूंगा। तो वही थ्रेशोल्ड है भाई कंप्रेसर का। थ्रेशोल्ड होता है हमारा सेट डीबी में, किसमें होता है, डीबी, ऑडियो की जो यूनिट होती है ना, ऑडियो की जो यूनिट यानी लाउडनेस मापने की जो यूनिट होती है, देखो ऑडियो कितनी लाउड है उसको मापने की जो यूनिट होती है ना लाउडनेस की वो होती है डीबी, है ना। जितना ज़्यादा डीबी होगा उतनी ज़्यादा लाउड होगी ऑडियो, जितना कम डीबी होगा उतनी कम लाउड होगी ऑडियो। लेकिन अगर कोई नया नया आया है एकदम और जिसने कभी भी म्यूजिक प्रोडक्शन नहीं किया, तो भाई म्यूजिक प्रोडक्शन में क्या सिस्टम है, हम नॉर्मल जिंदगी में तो लाउड किसको मानते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 0, है ना, तो हम ज़्यादा लाउड किसको मानेंगे, जो 0 से ऊपर हो, 1 2 3 4 5 ज़्यादा लाउड होगी, 6 5 से ज़्यादा लाउड होगी, ऐसा होगा, है ना, नॉर्मल जिंदगी में ऐसा होता है। लेकिन ऑडियो प्रोडक्शन म्यूजिक प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे माइनस में चलता है खेल, वहाँ पे सबसे लाउड होता है 0, उसके बाद होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, नीचे माइनस और चलता रहेगा, यानी कि 0 सबसे लाउड है और उसके बाद में माइनस में सिस्टम चलता है नीचे, ठीक है। तो ऑडियो प्रोडक्शन म्यूजिक प्रोडक्शन में ये सिस्टम होता है। तो लाउडनेस जब थ्रेशोल्ड सेट करोगे ना, तो थ्रेशोल्ड हमेशा माइनस में सेट होगा, ठीक है। माइनस कितना, मतलब तुम्हारी ऑडियो कहाँ तक आ रही है उसके हिसाब से थ्रेशोल्ड हम सेट करेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकल भी। जैसे मान लो तुम्हारी ऑडियो तुमने जो रिकॉर्ड की उसकी लाउडनेस है -5 के आसपास में, -5 पे जा रही है, वो -6 पे जा रही है, फिर उछल के फिर से 4 पे आ रही है, तो भाई तुम्हें कहाँ पे काटना है, तुम्हें कौन से पार्ट को काटना है। अब देखो -6 वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो रिकॉर्ड किया तुमने, जो -6 पे आ रहा है, वो तो भाई वैसे ही धीरे है। -5 वाला इससे थोड़ा लाउड है, लेकिन भाई ये सबसे लाउड ये है। तो तुम अगर तुम्हारे थ्रेशोल्ड को -5 पे सेट कर दोगे ना, -5 पे यहाँ पे, तो भाई कंप्रेसर को ये पता चल जाएगा कि इस -5 से ऊपर जो भी ऑडियो जाए, जो कि ये वाली ऑडियो है, ठीक है, ये वाली, तो उसको कंप्रेसर कम करेगा, यानी कि जो भी थ्रेशोल्ड तुम सेट करोगे उससे ऊपर जो जाएगा उस पर कंप्रेसर काम करेगा, उससे नीचे जो रहेगा उस पर वो काम नहीं करेगा। तो थ्रेशोल्ड का सिस्टम सीधा सा ये है और ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ है नहीं। अब दूसरी जो चीज़ आती है थ्रेशोल्ड के बाद में, आती है रेशियो। रेशियो का मतलब ये है कि भाई जैसे टीचर जब भी मारता है स्कूल में, मेरे को बहुत मारा मेरे टीचरों ने, बहुत कूटा, एकदम मुर्गा बना के कूटते थे, बहुत बढ़िया। तो भाई वो मारने की, अगर कोई ठीक ठाक टीचर होगा, कोई एकदम ही बेरहम जालिम टीचर हो तो उसकी तो बता नहीं सकता मैं, लेकिन अगर कोई ठीक ठाक टीचर होगा तो वो देखेगा कि छोटे बच्चे को थोड़ा धीरे मारूँ और बड़े बच्चे को थोड़ा ज़ोर से मारूँ, है ना, जिसकी ऊँचाई ज़्यादा उसकी मार उतनी तेज, ठीक है। तो रेशियो भी भाई वही सिस्टम है। रेशियो सिस्टम क्या है कि जितना ज़्यादा रेशियो होगा ना, जितना ज़्यादा रेशियो रखोगे अपने कंप्रेसर का, उतनी ज़्यादा कंप्रेसर कम करेगा ऑडियो को, यानी जो ये ऊंची ऑडियो जाएगी ना, इसको कितनी जोर से मार के वो नीचे करेगा वो डिपेंड करता है रेशियो पे। रेशियो ज़्यादा होगा तो जोर से मारेगा और ज़्यादा नीचे करेगा, रेशियो कम होगा तो धीरे मारेगा और धीरे नीचे करेगा। तो रेशियो का सिस्टम ये है, ठीक है। अब रेशियो जो सेट करते हो कभी भी किसी भी कंप्रेसर प्लगइन में, रेशियो सेट करोगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ आएगा 2:1, 3:1, 4:1, 8:1। तो भाई ये अनुपात समानुपात क्या है भाई, ये गणित कैसे आ गई, गणित नहीं है ये, एकदम सिंपल चीज़ है। 2:1 का मतलब ये होता है कि भाई 2 dB थ्रेशोल्ड जो तुमने सेट किया, जैसे मैंने ये थ्रेशोल्ड मान लो -5 पे सेट किया, ठीक है, अब इस -5 से 2 dB जो ऑडियो ऊपर जाएगी ना, 2 dB, हर 2 dB जो ऑडियो ऊपर जाएगी उसमें से जो ये कंप्रेसर है वो 1 को कम कर देगा, 2 dB जो ऊपर जाएगी उसमें से 1 को कम कर देगा और 1 को ही जाने देगा, यानी 2:1 का मतलब हो गया आधा, जितनी ऑडियो ऊपर जा रही है उससे आधी ऑडियो को वो कम कर देगा। 3:1 को मतलब क्या हो गया कि भाई 3 dB ऊपर जाएगी तो उसमें से 1 dB ही ऊपर जाने देगा और 2 dB को कम कर देगा, समझ रहे हो, यानी कितना रिडक्शन करेगा, कितनी वॉल्यूम को डाउन करेगा, वो इस रेशियो पर निर्भर करता है। तो मैं 8:1 की बात करूँ तो इसमें देखो, इसमें 8 और 1 का डिफरेंस कितना हो गया, 7, यानी वो 7 dB वॉल्यूम कम करेगा। 8 dB जो ऊपर जा रहा है उसमें से सिर्फ 1 dB को ही जाने देगा, 7 dB को कम कर देगा, यानी रिड्यूस कर देगा। तो जितना ज़्यादा रेशियो होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम कम होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा कंप्रेशन होगा। और कितना रिडक्शन होगा वो देखो, लगा सकते हो, जैसे 6:1 होगा तो 6 में से 1 घटाओ 5 dB का रिडक्शन होगा मैक्सिमम, है ना। तो ये सिस्टम होता है रेशियो का। अब बात करते हैं अटैक और रिलीज की। अटैक और रिलीज हमने यहाँ पे देखा था ना, अटैक और रिलीज, ये भी बड़े भाई बड़े गजब पैरामीटर है कंप्रेसर के। अटैक का मतलब होता है कि जब भी कोई ऑडियो उछलेगी और ऊपर जाएगी, यानी लाउड वॉल्यूम आएगी, तो कितनी जल्दी कंप्रेसर उसके टांट पे मार के उसको नीचे करेगा। जैसे मास्टर होता है अपना, मास्टर, अब बच्चे उछल रहे हैं, मास्टर बैठा है, उबासी ले रहा है, बच्चे उछल गए, सारे उछल लिए, उसके बाद जाके हाथ मारता है वो, तो उससे क्या फ़र्क है भाई, वो तो उछल उछल के, उन्होंने तो बदमाशी करनी थी वो कर ली। लेकिन कोई चुस्त मास्टर, एकदम चुस्त दुरुस्त, जैसे कोई उछला उछलते हैं उसके जल्दी से मारते हैं, उछलने ही नहीं देगा उसको, है ना।
एक मास्टर थोड़ा सा बीच वाला है, आलसी भी नहीं है, चुस्त भी नहीं है, बच्चा थोड़ा उछल लेता है लेकिन पूरा उछले उससे पहले मार के उसको नीचे कर देता है। तो यही है अटैक का सिस्टम भाई, कि कंप्रेसर कितनी जल्दी लाउड जो वॉल्यूम अचानक से जाएगी गाने में उसको मार के नीचे करेगा। अब ये अटैक जितना तेज होगा, फास्ट होगा, उतना ही फास्ट कंप्रेसर काम करेगा, यानी जल्दी मारेगा, कुछ भी आएगा उसके जल्दी से मारेगा, उसको नीचे कर देगा। और ये अटैक जितना स्लो होगा कंप्रेसर उतना ही स्लो काम करेगा। ये हो गया अटैक का काम। अब मान लो मैं मार रहा हूँ, मैंने उछला मार दिया, ये जल्दी अटैक है, फास्ट अटैक। और अब धीरे अटैक, मैं उछल रहा हूँ, अब मारा, ये स्लो अटैक, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है रिलीज, यानी कि भाई मारा जब मेरे टांट पे कंप्रेसर ने धीरे करने के लिए वॉल्यूम को, तो वो कितनी जल्दी अपना हाथ हटा लेता है। रिलीज फास्ट होगी तो कंप्रेसर जल्दी से वॉल्यूम को डाउन करेगा और जल्दी से हट जाएगा, फिर कोई फास्ट आएगा उस पर डालेगा, वापस हट जाएगा। जैसे देखो मैं उछला, मार के हटा लिया। लेकिन अगर रिलीज स्लो होगी तो कंप्रेसर कई देर तक काम करेगा। जैसे देखो स्लो मतलब हटता नहीं है बहुत देर तक, यानी देखना, यानी ये स्लो रिलीज है, वो दबाए रखेगा ऑडियो को, कम करता रहेगा। तो इन चीज़ों से भाई जो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है ना वो बदल जाती है। अटैक रिलीज के से अभी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ये सारा समझो पहले। अब भाई ये सारी चीज़ हमने देख ली, थ्रेश और अटैक रिलीज क्या होती है समझ लिए, प्रैक्टिकल में और समझ में आ जाएगा। गेन जो है वो लास्ट में, ये सिर्फ वॉल्यूम है कि कंप्रेशन से जो वॉल्यूम कम होगी, जैसे मैंने बताया ना कि हमने जो ऑडियो देखी थी, ऑडियो फ्रिक्वेंसी कहाँ गई हमने जो बनाई थी, मैंने उड़ा दी क्या, ठीक है। तो देखो ये जो ऑडियो होती है हमारी, जैसे ये लाउड है, ये धीरे है, ये लाउड है, ये धीरे है, ठीक है, ये लाउडनेस की जो मान लो वॉल्यूम है ऑडियो की। अब भाई लाउड वॉल्यूम को तो हमने कंप्रेशन से कम कर दिया, ठीक है, और लो वॉल्यूम तो कंप्रेसर उस पर लगा ही नहीं क्योंकि हमने थ्रेशोल्ड सेट किया था कि इसी को काटे जो ऊपर जाए इससे। तो अब सारी ऑडियो जो है वो एक जैसी हो गई है, लेकिन भाई लाउडनेस भी तो कम हो गई ना क्योंकि कंप्रेसर ने जो लाउड पार्ट थे उनको रिड्यूस कर दिया। तो अब गेन लास्ट में क्या करता है, इस सारी की सारी ऑडियो को, पूरी ऑडियो को बढ़ा देता है ताकि लाउड पार्ट और जो कम लाउड पार्ट दोनों एक जैसी वॉल्यूम पे आ जाए और हमको वो सुनाई दे। तो ये तो हो गई भाई थ्योरी, है ना, कंप्रेसर की थ्योरी खत्म। अब देखते हैं प्रैक्टिकल, क्योंकि थ्योरी करते रहेंगे तो समझ में चीज़ें इतनी आएगी नहीं। तो चलो चलते हैं एप्पल स्टूडियो में और वहाँ जाके हम जो है प्रैक्टिकल में इस सारी चीज़ को देखते हैं। तो भाई लोग ये आ गए एप्पल स्टूडियो में। अब देखो यहाँ पे मैंने ये एक रैप वोकल रिकॉर्ड किया हुआ है। अब इसमें देखो जो मैंने ऑडियो की लाउड पार्ट और जो कम लाउड पार्ट के बारे में बता रखा था, तो यहाँ पे देखोगे ना इस ऑडियो को, तो देखो ये जो ऑडियो है इसमें जो ये ऊंचे ऊंचे हिस्से दिख रहे हैं ना, देखो ये ऊंचे ऊंचे हिस्से, जैसे ये एक हिस्सा यहाँ पे ये ऊंचा है, ये देखो ये इतना ऊंचा नहीं है लेकिन ये वाला ज़्यादा ऊंचा है। देखो ये कम ऊंचा है, ये ज़्यादा ऊंचा, यानी ज़्यादा ऊंचे की ज़्यादा लाउडनेस है, इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है और कम ऊंचे की वॉल्यूम कम है। तो कंप्रेसर क्या करेगा, इस ज़्यादा ऊंचे वाले को डाउन करेगा और कम ऊंचे वाले को कुछ नहीं करेगा, छेड़ेगा नहीं और लास्ट में दोनों को बराबर कर देगा। तो चलो कंप्रेसर इन पर लगाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसको वैसे सुनते हैं वोकल को, कितनी ज़्यादा इसमें लाउडनेस में तुम्हें उतार चढ़ाव दिखेगा। देखो सुनो, एट फेल टेन फेल ट्वेल्व फेल सब फेल अब फेल, हाँ आई एम फेल, ना टॉप ना होप बस रोप है गले में सुसाइडल सेल, फर्जी एक्सपेक्टेशन के चक्कर में घुट रहा दम है, पड़ोसी मारे ताने शर्मा जी थारा बेटा दम है। अब देखो नॉर्मल सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि वॉल्यूम एक जैसी है, लेकिन अब बीट जब मैं चलाऊंगा ना इसके साथ में तो मैं पता चलेगा कि कभी तो वोकल सुनाई दे रहा है बीट में और कभी दब रहा है। सुनो, थोड़ी सी बीट की वॉल्यूम कम कर लेता हूं मैं। देखो ये ना टॉप में ना तो सुन रहा है और टॉप की ताजोर से आ रहा है। तो इस पे हम लगाएंगे कंप्रेसर, ठीक है, कंप्रेसर लगाएंगे फ्री वाला, मैंने डाउनलोड किया था कोटेलनिको, है ना, TDR का आता है, TDR कंपनी का कंप्रेसर है ये, मैंने यहाँ से इसको लगा लिया, ठीक है, ये कंप्रेसर हमने लगा लिया। अब देखो जो मैंने बताया था थ्रेशोल्ड, ये रहा थ्रेशोल्ड, जो मैंने बताया था रेशियो, ये रहा रेशियो, ये रहा अटैक और ये रही रिलीज, ठीक है। ये भाई साहब नॉर्मल ये TDR कंपनी का कंप्रेसर में यही मिलेगा, और अगर मैं बात करूँ हमारे देसी कंप्रेसर की जो फ्रूटी लिमिटर, ये रहा, तो इसमें भी देखो इसको कंप्रेसर पे यहाँ पे सेट करेंगे तो इस पे भी सेम चीज़ें हमें मिल जाएगी। ये वाला लगा के देख लेते हैं क्योंकि इसमें तुम्हें दिखाई भी देगी चीज़ें, ठीक है। तो देखो ये रहा हमारा थ्रेशोल्ड, ठीक है, थ्रेशोल्ड, ये रहा रेशियो और ये रहा अटैक और ये रही रिलीज, तो इसमें हमको चीज़ें दिखाई देगी, तो मैं ये वाला कंप्रेसर काम में लेता हूं। अब देखो थ्रेशोल्ड का मतलब, देखो हमको यहाँ पे वो दिखती है ऑडियो की जो है वेव्स, यहाँ पे दिखाई देगी एकदम स्पष्ट रूप से, तो कौन सी ऊंची है कौन सी नीचे हमको सब पता चल जाता है। देखो अब देखो यहाँ पे, देखो ये पहाड़ कितना ऊंचा है और ये देखो ये कितना नीचा है, और ये वाला तो भाई बहुत ही नीचा है, देखो, है ना,
ये वाला पहाड़ देखो कितना ऊंचा है, ये वाला देखो कितना नीचा है। तो ये जो ऊंची नीचे है इन्हीं को हमको सेट करना है। अब देखो थ्रेशोल्ड वाली जो लाइन है ना, मैंने बताया था ना कि एक लाइन सेट कर देंगे उससे ऊपर जो जाएगा उसी को काटेंगे। तो देखो हमको ये लाइन कहाँ सेट करनी चाहिए, ये लाइन हमको वहाँ सेट करनी चाहिए जहाँ पे लगभग लगभग सारे ऊंचे पार्ट कवर हो जाए। तो देखो सबसे नीचा पार्ट कौन सा है, ये वाला सबसे नीचा, तो हम इस तक लेके आएंगे कि इसको तो नहीं छेड़े और बाकी सारे ऊंचे पार्ट यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो थ्रेशोल्ड मैंने इस तरीके से सेट कर दिया -17 -18 dB तक, ये देखो -18 dB तक। और भी ये देखो छोटे पार्ट, ये वाला पार्ट एकदम छोटा है, इसके पास लेके आता है, ये लो भाई ये लो -21 dB तक मैंने कर दिया। तो अब ये जो लाइन है इससे ऊपर जो जा रहा है ना उस पर कंप्रेसर काम करेगा और इससे नीचे जो रहेगा उस पर कंप्रेसर काम नहीं करेगा। लेकिन कंप्रेसर कितना काम करेगा उसके लिए हमें रेशियो सेट करना पड़ेगा। तो रेशियो मैं कितना करूँगा, 4:1 वोकल के लिए 4:1 रेशियो ठीक रहता है। 4:1 मैंने कर दिया कि 4 dB गेन ऊपर जाएगा, 4 dB वॉल्यूम ऊपर जाएगी तो उसमें सिर्फ 1 dB को ही जाने देगा, ये 3 dB को रोक देगा। अब देखो मैंने जो थ्रेशोल्ड सेट किया ना भाई, उस थ्रेशोल्ड की लाइन जो ये वाली लाइन दिख रही है नीली लाइन, देखो ये नीली वाली लाइन दिख रही है ना, इस नीली लाइन से जो ऊपर जाएगी ना वॉल्यूम वही कंप्रेस होगी, बाकी कंप्रेस नहीं होगी। और इसमें कंप्रेशन कैसे दिखता है, इसमें कंप्रेशन दिखता है नीला नीला होया हुआ दिखेगी ऑडियो, मतलब थोड़ी सी ब्लू हो जाएगी, इसका मतलब उस ऑडियो को कंप्रेसर कम कर रहा है। देखो सुनो, अब देखो ये जो नीला नीला आया, देखो ये पीक कटी। तो ऊपर वाली पीक जो है ना, मतलब जो ऊंचे पार्ट है उनको कंप्रेसर काट रहा है, और कितना काट रहा है, 4:1 यानी 4 dB ऊपर जा रहा है, उसमें से 1 dB को जाने दे रहा है, बाकी 3 dB कम कर रहा है। इसीलिए जो है देखो नीचे वाली लाइनें नहीं कट रही है, उनमें कंप्रेशन नहीं हो रहा, वो नीली नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं रेशियो को बढ़ा दूं, रेशियो को बढ़ा के मैं 8:1 या 10:1 कर दूं, तो देखो और नीचे तक कंप्रेस करेगा। सुनो, देखो अब और ज्यादा कंप्रेस करने लगा, नीचे और ज्यादा नीला हुआ, यानी कि और ऑडियो ज्यादा दबा रहा है। अब 8:1 का मतलब कि 7 dB कंप्रेशन हो रहा है। लेकिन मैं इसको और बढ़ा दूं, अगर इसको मैं कर दूं 20:1, तो देखना और ज्यादा कंप्रेशन होने लगा 20:1 में। तो वोकल पे जो हम रखते हैं वो रखते हैं 4:1, और रेशियो थ्रेशोल्ड सेट करते हैं। रेशियो तो 4:1 रख लो, और फिर थ्रेशोल्ड को कम ज्यादा करके कंप्रेशन को कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं थ्रेशोल्ड को और कम कर दूं, अब पूरी कंप्रेस होने लगी क्योंकि थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा कर दिया मैंने। तो थोड़ा सा वापस ऊपर करेंगे इसको, थ्रेशोल्ड हमारा सेट है। अब बात करते हैं भाई अटैक और रिलीज की। तो देखो अटैक का यहाँ पे टाइम दिखेगा तुमको इस कोने में, है ना। तो अभी अटैक कितना सेट है, अभी 0.10 ms अटैक जो है हमारा सेट है। वोकल पे जो अटैक रखते हैं वो 10 ms रख सकते हो, 30 ms रख सकते हो, 10 और 30 के बीच में देख सकते हो। 10 ms अच्छा खासा फास्ट अटैक है। अभी अटैक को अगर मैं और एकदम फास्ट कर दूं, यानी कि 0 ms कर दूं, तो हाथ के हाथ जैसे ही वोकल आएगा तो वो उसको कंप्रेस करेगा, मतलब जैसे ही ऊपर जाएगा टाट में मारेगा उसके, जैसे ऊपर जाएगा मारेगा, नीचे रहे नीचे रहे नीचे रहे नीचे रहे ऊपर नहीं जाना नीचे रहे, ऐसे कंप्रेसर रोकेगा ऊपर जाने वाली वॉल्यूम को, फास्ट अटैक। सुना, पर इसका एक प्रॉब्लम भी होती है। अटैक को जब हम एकदम फास्ट रखते हैं तो उससे एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम ये होती है, मैं एक बार मेरी रिकॉर्डिंग देख लूँ, चल जाएगा, हाँ चल रही है। फास्ट रखने से अटैक को प्रॉब्लम ये होती है कि जो जब रैप वोकल जो होते हैं ना उसमें एक जोश होता है, जैसे मैं बोलूँ ना टोप ना रोप बस होप है गले में सुसाइडल सेल, तो जो मैं स्टार्टिंग के वर्ड जो रैप में बोलता हूँ ना उस पर मैं जोर लगाता हूँ, क्योंकि मैं उसमें जोश दिखाना चाहता हूँ, मैं उसमें एक्सप्रेशन ऐसे दिखाना चाहता हूँ कि भाई मेरे में एग्रेसिवनेस है, मेरे में गुस्सा भरा पड़ा, वो गुस्सा मैं कैसे दिखाऊंगा स्टार्टिंग के वर्ड को जोर से बोल के। लेकिन अगर मैंने अटैक फास्ट रखा कंप्रेसर का, तो जो जोर से बोल के मैं एक्सप्रेशन अपना प्रेजेंट करना चाहते हो सुनने वाले के सामने कि भाई मैं इस तरीके से गा रहा हूँ मेरे में गुस्सा है, तो वो एक्सप्रेशन को वो दबा देगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाला जो लाउड पार्ट है उसको कंप्रेसर लाउड आते ही हाथ के हाथ उसको कंप्रेस करके कम कर देगा। तो इसलिए हम अटैक को थोड़ा स्लो रखते हैं ताकि वो स्टार्टिंग का थोड़ा सा लाउड पार्ट तो निकल जाए, उस पर कंप्रेसर नहीं आए। जैसे देखो ये ऑडियो है, ये ऑडियो ऐसे ऐसे उछल रही है, और कंप्रेसर अगर फास्ट है तो उछलते ही मारेगा, उछलने नहीं देगा उसको। लेकिन मैंने अगर 10 ms या 30 ms रखा ना, तो थोड़ा सा पार्ट तो निकल जाएगा, और 30 ms बाद में कंप्रेसर आएगा उसको दबाने के लिए, तो आगे का थोड़ा थोड़ा पार्ट तो निकलता रहेगा और बाकी को कंप्रेसर दबाता रहेगा। तो थोड़ा सा आगे का पार्ट बिना कंप्रेस हुए लाउड निकलेगा ना, तो उससे थोड़ा सा
जो एग्रेसिवनेस है ना वोकल की, और जो वोकल की डायनेमिक्स है, वो ऐसे लगेगी कि हाँ भाई जो गा रहा है वो थोड़ा जोश में गा रहा है। तो देखो इसको हम क्या करते हैं, इसको 30 मिली सेकंड पे कर देते हैं। चलो ये मैंने 30 मिली सेकंड कर दिया। अभी देखना जो स्टार्टिंग के जो लाउड पार्ट है ना, स्टार्टिंग वाले ये थोड़े थोड़े पास होंगे। मैं थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाता हूँ इसकी। गेन यहाँ पे, ये गेन नॉब जो मैंने बताया था, ये रहा। ना टोप ना होप बस रोप है गले में सुसाइडल सेलर, फर्जी एक्सपेक्टेशन के चक्कर में घुट रहा दम है, पड़ोसी मारे ताने शर्मा जी थारा बेटा। तो ये तो हो गया अटैक का। अब रिलीज का भी वो सेम सिस्टम है। रिलीज का सिस्टम ये है कि अगर मैं रिलीज को बहुत ज्यादा कर दूंगा, जैसे देखो अभी कितनी है 155 मिली सेकंड, अगर इसको मैं पूरा ऐसे कर दूं 2000 मिली सेकंड तक, तो इसका मतलब कंप्रेसर हटेगा ही नहीं। एक बार दबा दिया तो वो दबाए रखेगा उसको 2000 मिली सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 100 मिली सेकंड होते हैं ना, 2020 सेकंड तक नहीं हटेगा, यानी कंप्रेसर हटेगा ही नहीं, पूरी वो ऑडियो से दबी भी रहेगी। और एक पंच जो आता है ना, ऑडियो में पंच आता है, जो पावर आता है वो नहीं आएगा, पावर हट जाएगा। जैसे देखो मैंने पूरी रिलीज बढ़ा दी, अब सुनना ऑडियो एकदम पूरी की पूरी कंप्रेस होती रहेगी और ऐसे डल ऑडियो जाएगी एकदम। सुनो देखो पूरा, देखो यहाँ से कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक सारे को कंप्रेस कर रहा है, क्योंकि रिलीज बहुत धीरे है तो कंप्रेसर हट रहा ही नहीं है, वो दबा के रख रखा है उसको। लेकिन अगर इस रिलीज को मैं फास्ट कर दूँ, जैसे मान लो इसको मैं कर देता हूँ 100 मिली सेकेंड, है ना 50 मिली सेकेंड कर देता हूँ, चलो ये मैंने 50 मिली सेकेंड कर दी, यानी कि 50 मिली सेकेंड का मतलब था एक सेकंड में कितने मिली सेकेंड होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन 50 मिली सेकेंड फास्ट रिलीज होती है। तो ये कंप्रेशन, जैसे ही कंप्रेसर आएगा और वो ऑडियो को दबाएगा, दबाते ही वो हट जाएगा, फिर से ऑडियो लाउड आएगी, वापस आएगा, दबाएगा, हट जाएगा। तो इससे ऑडियो का जो पंच है ना भाई, जो ऑडियो में हम एक्सप्रेशन देना चाहते हैं स्पेसिफिकली रैप वोकल में, तो वो बना हुआ रहेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि दबी हुई ऑडियो, खुली ऑडियो भी आएगी और कंप्रेस भी होती रहेगी। सुनो ना टोप ना होप बस रोप है गले में सुसाइडल सेलर, फर्जी एक्सपेक्टेशन के चक्कर में घुट रहा दम है, पड़ोसी मारे ताने शर्मा जी थारा बेटा डम है। हाँ हूँ मैं डम, मेहनत की पर नंबर कम, नहीं लगता मेरा मैं तुम्हें मन गर्म है। अब देखो पीक जो आ रही है उसको कंप्रेस कर रहा है, लेकिन आगे के पार्ट कंप्रेस नहीं हो रहे हैं। देखो आगे के पार्ट कंप्रेस नहीं हो रहे हैं, जैसे पिछले वाले में हो रहे थे कि आगे तक कंप्रेशन चल रहा था, वो नहीं चल रहा है। तो इससे जो वोकल है उसमें एक पंच आता है। अभी मैं देखो तुमको दोनों को एक्सट्रीम सेटिंग पे करके दिखाता हूं, यानी अटैक को मैं एकदम फास्ट कर देता हूं, रिलीज को मैं एकदम स्लो कर देता हूं, और फिर उसके बाद में मैं अटैक को एकदम स्लो कर दूंगा और रिलीज को एकदम फास्ट कर दूंगा, उसके बाद में देखना कितना डिफरेंस आ जाएगा ऑडियो में। मतलब तुमको लगेगा कि एक साइड तो दब गई है ऑडियो पूरी तरीके से और दूसरी साइड तो मैं खुली खुली पंची ऑडियो लगेगी। सुनो मैं थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। ये देखो मैं अटैक को कर देता हूँ एकदम फास्ट और रिलीज को एकदम स्लो कर देता हूँ और थ्रेशोल्ड थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि तुमको ढंग से सुनाई दे। सुनो ना टोप ना होप बस रोप है गले में सुसाइडल सेलर, फर्जी एक्सपेक्टेशन के चक्कर में घुट रहा दम है, पड़ोसी मारे ताने शर्मा जी थारा बेटा डम है। हाँ हूँ मैं डम, मेहनत की पर नंबर कम, नहीं लगता मेरा मैं तुम्हें मन गर्म है, माथा उड़ा दो इसको लगा के गन लगा दो। अब ये ऑडियो तो कंसिस्टेंट हो गई है कि एक ही वॉल्यूम पे चल रही है, लेकिन भाई नीरस हो गई एकदम, इसको उबाऊ ऑडियो बोलते हैं, क्योंकि भाई कोई उतार चढ़ाव थोड़े बहुत भी नहीं है, तो फिर रैप में तुम क्या एक्सप्रेस करोगे। रैप में ये तो होता है ना कि जोर जोर से बोलता हूँ, लगा तो गन, फोड़ दो मन तो फोड़ दो, फोड़ दो में मैंने जोर लगाया, थोड़ा सा तो आना चाहिए ना भाई, नहीं आ रहा, पूरा देखो पूरा काट दिया इसने। अब मैं क्या करूँगा, अब जब तुमको पंचीनेस चाहिए ना कभी वोकल में कि थोड़ा सा पंच भी आए, मतलब ऐसे थोड़ी सी मैं जोर से बोलूँ तो वो पता भी चले कि ऐसे जोर वोर लगा रहा है भाई, इधर उधर बोल रहा है, अपनी कोशिश कर रहा है पूरी अपने एक्सप्रेशन को निकालने की, तो मैं क्या करूँगा अटैक को थोड़ा स्लो करूँगा। अटैक को मैं करता हूँ 30 मिली सेकेंड, है ना, ये मैं 30 मिली सेकेंड अटैक किया, और रिलीज को मैं फास्ट करूँगा, रिलीज को मैं फास्ट कर देता हूँ, ये लो 50 मिली सेकेंड रिलीज कर देता हूँ। अब सुनना, अब कंप्रेसर आएगा धीरे, जाएगा जल्दी, तो इससे मेरी ऑडियो का जो पंच है ना वो पंच दिखेगा। सुनो ना टोप ना होप बस रोप है गले में सुसाइडल सेलर, फर्जी। अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं दोनों लगा लेता हूँ, है ना, ये वाला तो, और मैं दूसरा इसी को सेम कंप्रेसर को फास्ट रिलीज और फास्ट अटैक पे कर देता हूँ, ताकि तुमको मैं बंद कर करके सुना सकूँ दोनों। ये सेव प्रीसेट एज, और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ सेम कंप्रेसर, और यहाँ पे इसका भाई डिटैच
थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको मैं, और देखो सेम कंप्रेसर को अलग अलग सेटिंग पे करने से ही ऑडियो में कितना फ़र्क आ जाता है। अभी मैं इसका क्या करता हूँ, यहाँ पे थ्रेशोल्ड सेम है, सब कुछ सेम है, अटैक को मैं कर देता हूँ फास्ट और रिलीज़ को मैं कर देता हूँ एकदम स्लो। सुनो ये भाई, ये तो फास्ट अटैक और फास्ट रिलीज के साथ में सुनो। चक्कर में घुट रहा दम है, पड़ोसी मारे ताने। अच्छा मैं वॉल्यूम भी थोड़ी मैच कर लेता हूँ दोनों की। चक्कर में घुट रहा दम है, पड़ोसी मारे ताने, शर्मा जी थारा बेटा दम है। हाँ हूँ मैं दम, मेहनत की पर नंबर कम, नहीं लगता मेरा मैथ में मन। और ये है स्लो, एकदम स्लो। चक्कर में घुट रहा दम है, पड़ोसी मारे ताने, शर्मा जी थारा बेटा दम है। हाँ हूँ मैं दम, मेहनत की पर नंबर कम, नहीं लगता मेरा मैथ में मन। गर्म है माथा, उड़ा दो इसको लगा के गन, लगा दो गन, छोड़ दो मन वैसे भी। मैं स्लो को मतलब कि जो स्लो रिलीज है यानी कंप्रेशन ज्यादा हो रहा है, हट रहा ही नहीं है कई देर तक, और एक जो फास्ट आ रहा है फास्ट जा रहा है, एकदम फटाफट कंप्रेशन हो रहा है ऊपर नीचे दोनों को चला के दिखाऊंगा। सबसे पहले ऊपर नीचे वाली और उसके बाद में स्लो वाली, तो दोनों में देना। चलती ऑडियो में जब बदलूंगा तुमको पता चलेगा कि जो एकदम ज्यादा कंप्रेशन हो रहा है ना उसमें ऑडियो में से डायनेमिक हट गई है पूरी और एक फील आना बंद हो गया है, और जब वो ऊंचे नीचे होता रहता ना कंप्रेशन तो उससे फील आता है ऑडियो में। सुनो में घुट रहा दम है, पड़ोसी मारे ताने, शर्मा जी थारा बेटा दम है। हाँ हूँ मैं दम, मेहनत की पर नंबर कम, नहीं लगता मेरा मैथ में मन। गर्म है माथा, उड़ा दो इसको लगा के गन, लगा दो गन, छोड़ दो मन वैसे भी पूरी लाइफ झंड। जो करना वो करने नहीं दे, जो करने देते मेरा। थोड़ी सी लिरिक्स हाँ तो भाई ये हो गया। अभी इससे पता क्या चला कि तुमको किस टाइप का कंप्रेस करना है। अगर तुम सुर वाले तुम्हारे गीत ना जिसमें तुम एक लंबा लंबा नोट जैसे सुख के सब साथी दुख में ना कोई, जो एकदम स्लो गाने हैं, जो सुर वाले गाने हैं, उनमें तुम जो है ज़्यादा रख सकते हो किसको, रिलीज को, है ना, ताकि वो कंप्रेस्ड इवन ऑडियो है। लेकिन जो रैप वोकल होते हैं और जो फास्ट वोकल होते हैं ना, उनमें भाई तुमको करना क्या है, उनमें तुमको अटैक रखना है फास्ट और रिलीज रखनी है वो भी फास्ट। यानी अटैक फास्ट कितना रखोगे, 10 मिलीसेकंड या 30 मिलीसेकंड, 30 मिलीसेकंड तक अटैक रखो, थोड़ा स्लो अटैक रखना है, 30 मिलीसेकंड, ओके 30 मिलीसेकंड का रखोगे अटैक, और 50 से 100 के बीच में रखोगे तुम अपनी रिलीज। तो जो ट्रांजिएंट आते हैं ना वोकल के, जिससे फील आता है फास्ट रैप वोकल की एग्रेशन का फील आता है, वो एग्रेशन निकल के आएगा और वोकल कंप्रेस भी होगा। और थ्रेशोल्ड को फिर तुम्हें सेट कर लेना है अपने हिसाब से कितना तुम कंप्रेशन चाहते हो। अब देखो मैं दूसरा कंप्रेसर तुमको दिखाता हूँ वोकल पे, जो कंप्रेस हम करते हैं ना, मैंने कोटलनिको जो दूसरे वाला था उसका भी दिखा देता हूँ तुमको मैं, कोटलनिको उसमें जो है गेन रिडक्शन भी दिखाता है। गेन रिडक्शन मतलब कि कंप्रेसर कितनी वॉल्यूम कम कर रहा है। देखो यहाँ पे ये देखो गेन रिडक्शन लिखा हुआ है और 0, 1, 2, 3 dB तक दिखा रहा है ये, यानी 3 dB तक गेन रिडक्शन को ये दिखाएगा। तो मैं अभी देखो थ्रेशोल्ड मेरा सेट करता हूँ, रेशियो में सेट कर लेता हूँ अपना 4:1 को, 4:1 ये मैंने सेट कर लिया। और हमको जो है किसी भी वोकल पे जब कंप्रेस करते हैं तो मैक्सिमम 3 से 4 dB, 5 dB तक गेन रिडक्शन चाहिए। 5 dB से ऊपर मत करना, नहीं ज़्यादा लगेगा वो, फिर दूसरा कंप्रेसर लगा देना। एक कंप्रेसर से 5 dB से ऊपर नहीं करना है। तो भाई देखो अटैक में कर देता हूँ अपना 10 मिलीसेकंड, ठीक है ये 10 मिलीसेकंड कर दी, और रिलीज़ ये मेरी रिलीज़ RMS 220 है तो मैं इसको कर देता हूँ 150, और ये वाली जो है पीक की रिलीज है 100 तो इसको 80 रहने देता हूँ, ठीक है। अब देखना, अब मैं थ्रेशोल्ड धीरे धीरे कम करूंगा तो गेन रिडक्शन बढ़ता रहेगा, क्योंकि जो ऑडियो का लेवल है, मैं कंप्रेसर को क्या बोल रहा हूँ कि और नीचे जा, और नीचे जा, और नीचे जा, और लो वॉल्यूम को भी कंप्रेस कर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेशन करता रहेगा। जैसे जैसे मैं थ्रेशोल्ड को बढ़ाऊंगा, माइनस में ज़्यादा ऊपर जाऊंगा, वैसे वैसे यहाँ पे देखना गेन रिडक्शन बढ़ता रहेगा। देखो अभी 0 है तो कोई गेन रिडक्शन नहीं होगा, मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा और तुम देखोगे धीरे धीरे यहाँ पे गेन रिडक्शन बढ़ेगा। गेन रिडक्शन का मतलब कितनी ऑडियो को, कितनी वॉल्यूम को कंप्रेसर दबा रहा है। चलो मैं रिकॉर्डिंग तो देख लेता हूँ मेरी एक बार, चलो। चालू नहीं किया मैंने, यहाँ से चालू कर लेता हूँ, ठीक है अभी। अब देखो ऑन एन एवरेज हमारा 5 dB गेन रिडक्शन 5 से 6 dB के बीच में हो रहा है, लेकिन मैं इसको और बढ़ाऊंगा तो गेन रिडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा और वोकल एकदम क्रश हो जाएगा, एकदम दब जाएगा। देखो
16 dB गेन रिडक्शन हो रहा है, -16 dB। देखो 10 dB से ऊपर, 10-15 dB से ऊपर फिर लिमिटिंग होने लग जाती है ना, तो मैक्सिमम 10 dB। देखो रूल तो वैसे कुछ होता नहीं म्यूजिक प्रोडक्शन, मैंने क्या कहा म्यूजिक प्रोडक्शन का एक ही रूल है कि इसमें कोई भी रूल नहीं है, लेकिन -4 -5 dB एक कंप्रेसर से करो, फिर दूसरा लगा लो और ज्यादा करना है तो दूसरे से करो, क्योंकि एक कंप्रेसर से ज्यादा लोड देते हैं उस पर तो साउंड अच्छा नहीं आता। अभी देखो कितना 14, तो हम इसको कम करते हैं थोड़ा सा। अभी ठीक है, तो -6 dB के आसपास हमारा हो रहा है, तो हम अब जितना हमारा रिडक्शन हो रहा है ना, जितनी वॉल्यूम कंप्रेसर कम कर रहा है उतनी वॉल्यूम हम और ऐड कर देंगे मेकअप गेन से। तो मैंने यहाँ पे 6 dB ये भाई लो ये ऐड कर दी 6 dB, ठीक है। अब देखो बिना कंप्रेसर के गले में सुसाइडल सेलर, इसको सुनना बिना कंप्रेसर के, ये थोड़ा धीरे आ रहा है, बाकी टॉप होप जोर से आ रहा है और कंप्रेसर लगा के सुनाऊंगा, पहले तो बिना कंप्रेसर सुनो। ठीक है गले में सुना, अब कंप्रेसर चालू कर दिया। वो गले में ना टॉप होप के बराबर आ गया, तो कंप्रेसर यही करता है लाउड पार्ट को धीरे, और फिर जब हम मेकअप गेन बनाते हैं तो धीरे वाले पार्ट लाउड हो जाते हैं और दोनों बराबर आ जाते हैं, तो एकदम बढ़िया तरीके से सुनता है। तो सुनो बिना कंप्रेसर के। अब कंप्रेसर के साथ में तो भाई ये है मैजिकल चीज कंप्रेशन। मैंने थ्रेशोल्ड बता दिया, रेशियो बता दिया, अटैक रिलीज सब बता दिया, तो जो बीट के ऊपर तुम्हारा वोकल आएगा ना वो इससे आएगा। तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, बीट को डाउन कर लेना है, बीट की वॉल्यूम जो है ना, जैसे 21 पे है देखो मेरी बीट, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से ही देखो 50% वॉल्यूम कम कर रखी है, और फिर 21 पे मैंने बीट को डाला हुआ, तो यहाँ से भी मैं और कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो बीट को कम करो अपनी को, बीट लाउड रहेगी तो देखो बीट को फुल, अगर मैं फुल वॉल्यूम पर रखता हूँ तो मुझे कुछ सुनेगा नहीं, और यहीं पर देखो मेरा क्लिप होने लग जाएगा, फिर मैं मिक्सिंग कर ही नहीं पाऊंगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, बीट को जो भी बीट तुम लाओ कहीं से भी उसको करो सबसे पहले डाउन, उसको माइनस देखो 50% तक, और या फिर 50% से भी कम 40% तक डाउन कर लो, और उसके बाद में अपने वोकल को उसके हिसाब से कंप्रेस करके उस बीट के बराबर में लाओ। अब सुनो तो ये है भाई कंप्रेसर, इसी से लेवल होता है, फिर EQ डिले रिवर्ब वो बाद में आते हैं, पहले एकदम वोकल को तो तुम लेवल पे करो ना, क्योंकि हम जब गाते हैं तो एक वॉल्यूम पे नहीं गाते कभी भी, थोड़ा पीछे जाएंगे तो भी देखो, जैसे मैं इस माइक्रोफोन के एकदम पास में आके बोलूँ तो मेरी आवाज़ लाउड हो जाएगी, मैं थोड़ा पीछे धीरे धीरे पीछे जाता रहूँगा तो आवाज़ धीरे होती रहेगी। तो गाने वाला भी थोड़ा इधर उधर होता रहता है, कोई वर्ड वो जोर से बोलता है कोई धीरे बोलता है, तो उसको लेवल में लाने का काम करता है कंप्रेसर। और कंप्रेसर का मैंने सब कुछ समझा दिया, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आया तो भाई कमेंट करके पूछ लेना। ये थी आज की रामबाण सीरीज की वीडियो, और अगर FL स्टूडियो सीखना चाहते हो तो मैंने कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप उस पर सब कुछ कवर किया हुआ है, सब कुछ उसका लिंक दिया हुआ नीचे, तो जाके जरूर देखना। तो भाई लोगों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।